तो भाई साहब ये मेरा लास्ट वीडियो होगा डीप फेक्स के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया में थोड़ा लोग जागरूक होने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की तरफ से एक नया सजेशन आया जो बहुत जबरदस्त सजेशन है, क्योंकि ये चीज अगर कर दिए इंडिया में स्पेसिफिकली इंडिया में लोग ना जागरूक तो होते, ये तो डिफरेंस पता कर सकते कि असली वीडियो कौन सा है और नकली वीडियो कौन सा है, डीप फेक वाला वीडियो कौन सा है। और ये चीज से होता क्या, एक जो रॉन्ग परसेप्शन रहा लोगों के ऊपर सेलिब्रिटीज के ऊपर वो थोड़ा रुकता, तो ये सजेशन मोदी की तरफ से बहुत जबरदस्त वाला था। तो क्या है सब कुछ बात करेंगे, पूरा वीडियो एंड तक देखो। तो यहाँ पे अगर आप नए हैं, अगर आपको नहीं मालूम तो डीप फेक्स क्या है, तो कुछ नहीं, अगर मेरा वीडियो है मेरे वीडियो पे किसी दूसरे के फोटो लेके मेरे फेस पे चिपका सकते हैं और यहाँ से कोई दूसरा बंदा है या फिर ऐसा क्रिएट कर सकती है कि मैं कुछ अलग बात कर दिया जो बात नहीं करता वो पर्टिकुलर सेलिब्रिटी, तो ऐसे तरीके से क्या हो रहा डीप फेक्स बना रहे। तो इससे हो रहा क्या, जो पॉलिटिशियंस है उन लोगों की फोटोज को ले लेके उनकी वीडियोज को लेके उसको डाइवर्ट कर रहे, जो सेलिब्रिटीज है उनके फोटोज वीडियोज को लेके गंदी गंदी जगह पे लगा रहे। रिसेंटली रश्मिका मंदाना, कैटरीना कैफ, बहुत से पॉलिटिशियंस और बहुत से इंडियन क्रिकेट मतलब जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसकी तरफ से बिना वो जो क्रिकेटर्स के फोटोज है उसको लेके किधर बोले उधर लगा रहे, जो अच्छी चीज है अगर एंजॉयमेंट के तरीके से ले लिए, ह्यूमर निकाले, मगर कभी ना कभी इसी चीज में ना डाइवर्जन भी रहता है, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए ये बहुत इस्तेमाल कर रहे। तो ये चीज की वजह से पीएम मोदी का कहना ये है कि ये भाई साहब जाके बहुत से मैक्सिमम कंपनी से, बहुत से मैक्सिमम वेबसाइट वालों से और चैट जीपीटी वालों से बात करे और सजेशन ये दिए कि जितने भी वीडियोस बनते, मतलब अगर कोई फोटो है कोई वीडियो है उसको लेकर के डीफेक्ट बना दिए, मतलब बनने के बाद कोई ना कोई वीडियो पे जैसे वाटरमार्क आता तो वहां पे लिख के आना कि ये डीफेक वीडियो है। तो ये चीज देखो बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि अगर कोई वीडियो मतलब रेंडर कर लिया, जैसे अपने को अब इंस्टाग्राम का वीडियो है जब अपन डाउनलोड करते तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिख के आता कि ये इंस्टाग्राम का वीडियो है, जैसा टिकटॉक करने दो या फिर वीगो करने दो किसका करने दो, अपन जब रेंडर करके उसको डाउनलोड करते तो वहां पे एक वाटरमार्क आता। अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर भी लेते जहां पे आप कुछ परचेज नहीं करते तो वहां पे भी एक वाटरमार्क आता है कि ये पर्टिकुलर वीडियो यहां से मतलब निकल के आया, रेंडर हो के आया। तो वही तरीके से मतलब एक्सैक्ट सेम तरीके से पीएम मोदी का कहना है कि यहां पे अगर कोई डीफेक वीडियो बना रहा या फिर कोई डीफेक फोटो बना रहा, ऑडियो का तो नहीं हो सकता मगर फोटो या फिर वीडियो ये बनाने से पहले जब कोई रेंडर करता उसको बना के तो वहां पे लिख के आना कि ये डीफेक वीडियो है। तो यहां से होता यूं कि देखो ये चीज को रोक तो नहीं सकते मगर लोगों को जागरूक कर सकते कि ये एक डीफेक वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो कुछ और ही है। अब भाई ये चीज ना मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आई, क्योंकि ये तो मतलब फैक्ट है कि जो डीफेक वीडियो है वो तो रोक नहीं सकते, कोई ना कोई बनाता ही बनाता, मगर अगर सॉफ्टवेयर वाले जब वीडियो को रेंडर करते जब उसको एक्सपोर्ट करते अगर वो चीज में अगर कहीं ना कहीं लिखने लगा दिए, वाटरमार्क लगा दिए कि ये एक डीफेक वीडियो है, तो देखो एंजॉयमेंट भी कर सकते, लोग देख के उसको एंजॉय कर सकते, ह्यूमर की तरीके से ले सकते और साथ ही साथ ये भी सोच रहती है सबकॉन्शियसली कि ये एक डीफेक वीडियो है, फॉल्स स्टेटमेंट या फिर एक फॉल्स न्यूज कहीं ना कहीं फैल नहीं सकती। सो नाउ आई थिंक कि एटलीस्ट इंडिया में तो ये चीज कम होने वाली है और लोग जागरूक होने वाले हैं। और ये चीज जो पीएम मोदी बोले वो उनका ना मतलब इनका भी एक डीफेक वीडियो आ गया था जिसमें भाई साहब ना गरबा खेल रहे, सो वीडियो है जो इतना खतरनाक डीफेक वीडियो है देख के किसी को भी लगता कि ये पीएम मोदी ही है। वो जो स्टेटमेंट है भाई साहब जो भी बोले, काम करो ये वीडियो है पूरा एंड तक देख लो। अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे, मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था गरबे, बहुत ही अच्छा खेलता था लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है, उसने बना के रख दिया है और चल रहा है और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फॉरवर्ड कर रहे मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया, लेकिन एक चिंता का विषय है जी, आप इस शास्त्र को तो समझाने से तो कोई लाभ बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं उदाहरणों के साथ। तो कोई भी वैसे मुझे जब इस विषय को आगे बढ़ाने व्यक्ति चैट जीपीटी के लोग मिले थे तो मैंने उनको कहा था कि जैसे सिगरेट पे आता है इट्स अ कैंसरस, पीना तुम्हारी मर्जी लेकिन लिखा हुआ रहता है ये हेल्थ के लिए हैजार्ड है ऐसा लिखा हुआ। तो मैंने कहा तुम्हारा जो भी चैट जीपीटी का उपयोग करता है या कोई इस प्रकार से एआई का उपयोग करता है तो वहां एक आना चाहिए इट्स अ डीप फेक, फिर उसको देखें आनंद करें जो करना है करें लेकिन उस पर आना चाहिए ऐसा। उन्होंने कहा साहब मुझे भी बड़ी चिंता है कि ये मैंने कर तो दिया लेकिन कैसे रुकेगा, तो एक बड़ा चिंता का विषय।